हमारा ये घर सिक्योर है और कोई टेंशन वाली बात नहीं है कुछ भी नहीं ठीक है ना कुछ भी नहीं है बाकी फिर भी अपनी तरफ से ना सिक्योर करना चाहिए तो ये बोल रहा है कि ये और बाबर लेके डिसीजन ये घर सेल करेंगे जबकि आप लोगों को पता है कि इसकी बीवी ने भी हामी भरी थी कि हाँ इसने घर मेरे नाम पे किया है लेकिन साथ में अली के भी नाम पे किया है और अब ये बोल रहा है कि मैं और बाबर डिसीजन लेके घर सेल करेंगे इसका मतलब है कि घर किसी के भी नाम पे नहीं हुआ था ये अब लोग सोचेंगे कि इसने फातिमा के साथ में बुरा कर दिया तो नहीं ये किसी के साथ में कुछ भी बुरा नहीं किया है सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का ड्रामा है अगर आप लोगों ने पिटारा की शुरू की वीडियो देखी होगी तो उसने अपने हस्बैंड की इमेज बहुत अच्छी बनाने की कोशिश की थी कि घर भी मेरे नाम पे है बैंक बैलेंस वगैरह सब मेरे पास है आप लोग टेंशन मत लिया करो और हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है ये सारा कुछ उसने की थी और यही सारा कुछ उठा उठा के ना ये फ़ातिमा फॉलो कर रही थी जहर सी बात है ये इतना ज़्यादा जलील करवा नहीं सकती थी क्योंकि ये गोंची तो है नहीं ये तो मारता है फ़ातिमा को और फातिमा इसकी जलालत करती है तो इन लोगों का ये सारा प्री प्लान ड्रामा था ताकि इसका भी चैनल चले और फातिमा का भी चैनल चले तो ये सारा कुछ प्री प्लान ड्रामा था बाकी आप लोग देखो के कितने लोग झूठे हैं कितने मक्कार है और अभी ये जो घर सेल करने की बात भी कर रहा है ना तो इन लोग सबको जाना है इस्लामाबाद इसके लिए और ये घर इन लोग सेल पे अभी नहीं लगाए बहुत टाइम पहले से ही सेल पे लगा के रखे है और अगर ये अभी सेल नहीं भी होता है ना तो इन लोग जो ये बोल रहे हैं ना घर की सिक्योरिटी करूँगा ये करूँगा वो करूँगा ये सारा कुछ करवा के फिर इन लोग यहाँ पर रेंट पर दे के और ख़ुद इस्लामाबाद ही जाएंगे बाकी आप लोग सोच रहे होंगे कि वो टाइम पे फिर फातिमा ने क्यों हामी भरी और इसने क्यों बोला कि घर बिक गया ऐसे फातिमा के नाम पे अली के नाम पे हो गया क्योंकि वो टाइम पे ना लोग इनको बड़ा ही धो रहे थे इनकी सही से धुलाई कर रहे थे फातिमा को लेके भी और अली को लेके भी तो इसने ये जताया था कि मैं बहुत पैर हूँ और मुझे धोना बंद करो मेरी बीवी को और मेरे को गालियाँ देना बंद करो छमिया बीवी को मैंने तो घर नाम पे कर दिया अब सोचो कि फ़ातिमा ने भी उसमें हामी भरी थी इसका मतलब है फातिमा और ये मिले हुए थे वरना फ़ातिमा आके क्यों नहीं बोली कि घर मेरे नाम पे नहीं हुआ है उसने ये बोली थी कि हाँ लेकिन अली के भी नाम पे हुआ है और इसने भी वीडियो बनाया था कि मैंने घर फ़ातिमा के नाम पे कर दिया हूँ और साथ में अली के भी नाम पे किया हूँ ये बात उसको बुरी लग गई है इसीलिए वो मुझे गंदा कर रही है इसीलिए वो मुझे जलील करवा रही है देख लो किस तरह से ये लोग कंटेंट बना के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे और ये फातिमा बीबी बेशरम घटिया औरत तो क्या कहानी सुना रही थी तू बाइक पे जा रही थी और सिग्नल पे एक बच्चे ने एक औरत को टच किया तो उसने उसको डांठी दी तो मुझे बहुत बुरा लगा दिल हुआ दो थप्पड़ रख के दू कि अगर तू उसको दे नहीं सकती थी तो तूने उसके साथ में ऐसे क्यों की पहले अपने तो गिरेबान में झांक ले तूने अली के साथ में क्या की घटिया औरत वो तो छोटा था ना जब तूने उसकी माँ की ज़िंदगी ख़राब की थी सौतन बन के आके बैठी थी।, थी उसको ज़बरदस्ती घर से निकलवाई थी उसको डिवोर्स दिलवाई थी तब तुझे तरस नहीं आया था अली के ऊपर हाँ और तू कितने सालों से लगी हुई थी किसी तरह से अली को घर से निकालूं और अभी तेरा वो भी एम पूरा हो गया आखिरकार तूने अली को घर से निकाल के ही सुकून ली तूने अली के साथ में क्या क्या नहीं की है उसको तू नौकर बना के रखती थी उसको मारती थी उसको गालियां देती थी हाँ उससे बच्चे संभलवाती थी बच्चों के पैम्पर बदली करवाती थी तेरे को गुस्सा आया किसी और के बच्चे के साथ में कुछ हो रहा था तो इतनी औरत बेगैरत है इतनी बेशरम है इतनी गिरी हुई औरत है ये खुद के खानदान के बच्चे के साथ में अपनी कज़न के साथ में इतना बुरा की और फिर दूसरे के बच्चे के लिए बोल रही है कि मुझे इतना गुस्सा आया दिल किया दो थप्पड़ लगा के दूंगा और बोल रही है कुछ ज़्यादा ही अच्छे कपड़े नहीं पहनी थी चार पांच हजार वाले कपड़े वो औरत ने पहनी थी तू बड़े अच्छे कपड़े पहनती है तभी तो भाग गया ना डीडी दल्ला थे को छोड़ के उसकी आंटी है तू डीडी दल्ले की जो तेरे को इतना बुरा लग गया कि उसने कैसे कपड़े पहनी थी उसने बच्चे को थप्पड़ मार दी जिस तरह से तुम लोगों ने अली की जिंदगी तूने ख़राब करके रखी थी पहले अपने गिरेबान में झांक बाद में तू दूसरों के बच्चों के लिए सिम्पत्ति दिखाना इतनी अच्छी नहीं है जितनी तू दिखाने की कोशिश कर रही है और वो छमिया को देखो वो अलग ड्रामे करके रखी है वो रह रह के इसको ब्लैकमेल करते रहती है कभी हाथ काट के कभी घर से निकल जाऊंगी कभी क्या कर दूँगी क्या कर दूंगी क्यों क्यों वो इतना ब्लैकमेल करती है और इन लोग होते हैं क्योंकि सब कुछ प्री प्लान है सब कुछ पता है एक दूसरे को उसको हर एक चीज पता है क्यों क्योंकि प्लानिंग हुई है प्लानिंग के थ्रू ये सारी शादी वगैरह हुई है तो वो डराते रहती है कि मैं सारा कुछ खोल दूंगी और अगर वो बता दी कि ये खुद आई थी रिश्ता लेके इसने खुद ने शादी करवाई ये सारा ड्रामा ये खुद कर रही है और इसमें हम लोग सब जने मिल के कर रहे हैं तो सोचो फिर ये फ़ातिमा का क्या होगा इंसाफ़ बीबी का तो ये सारे इनके ड्रामे हैं और ये जो छमियां भी कर रही है ना ये भी ड्रामा है ये फातमा कर रही है ये भी ड्रामा है डीडी कर रहा है ये भी ड्रामा कोई लोग है ना एक दूसरे से अलग नहीं है कुछ नहीं है पूरा के पूरा खानदान एक जैसा है और मिले हुए है सब और ये पिटारा की ना एक एक वीडियो उठाती है और उसको कॉपी करती है एक एक वीडियो उठाती है उसको कॉपी करती है आप लोग इसके टाइटल थंबनेल चेक करो हल्का सा चेंज करके ना ये टाइटल थंबनेल पिटारा वाला डालती है पूरा के पूरा वही वाला डालती है ताकि ये भी उसी की तरह ना बदनामे जमाना हो जाए इतनी घटिया औरत है ये और ये जो बाबर इस्लामाबाद गया है कि मैं कंठाल गया हूँ घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके वजह से वो भी एक ड्रामा था क्योंकि एक साथ तो इस्लामाबाद उठ के जा नहीं सकते है। तो एक एक करके जाएंगे ना और जाने के लिए कुछ ना कुछ रीज़न तो चाहिए तो बाबर ने इस चीज़ को रीज़न बना दिया कि इनके झगड़े होते रहते हैं जबकि बाबर को तो अच्छा खासा कॉन्टेंट मिल रहा था लोगों से पैसे खाए जा रहे थे ये जो फातमा पैसे खा रही थी इसमें बाबर भी पूरा पूरा इन्वॉल्व था कैसे बोल रहा था अभी फीस भरने के लिए पैसा नहीं है अब देखो वहाँ पे गया हुआ है तो बराबर फीस भरने के लिए भी पैसा है फर्नीचर लेने फ्रिज कबाट टीवी पता नहीं क्या क्या खरीद रहे कहाँ तो इनके पास में फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं थे और अब देखो हर एक चीज खरीदने के लिए पैसे है इनके पास में तो भाई ये भी एक इनके प्लान का हिस्सा था बाबर का वहाँ पे जाना और बाबर को भी सब कुछ पता है सब प्लान में सबके सब मिले हुए तो ये सारा कुछ प्लान हो रहा है चाहे फिर वो छमिया हो इंसाब भी भी हो दिलबर हो बाबर हो नैना ये सब कुछ प्री प्लान के मुताबिक चल रहा है अच्छा बाकी कुछ देर पहले मेरे पास में एक मैसेज आया मुझे नहीं पता ये बातें कहाँ से उठी है दो तीन बातें हैं तो वो बातों को लेके लोग सवाल कर रहे हैं कि जब अम्मा गई थी सऊदी तो अजगर ने उसको बहुत मारा था क्योंकि वो वीडियो में नहीं आती थी और मार मार के उसका हाथ तोड़ दिया था अच्छा तो चलो मान लेते हैं हाथ तोड़ दिया था तो आप लोगों को पता ही है कि हाथ टूटता है तो फ्लैक क्या फ्रैक्चर होता है तो उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाया जाता है और वो कम से कम तीन महीना छः महीने का तक के रहता है तो इसकी माँ तो इतना टाइम वहाँ पे रुकी नहीं तो वो तो आ गई थी पाकिस्तान चलो वहाँ पे तो वो वीडियो में नहीं आती थी तो वो प्लास्टर छुपा रह गया हमें पता नहीं चला लेकिन फिर पिटारा की वीडियो में भी नहीं पता चला कि इसकी माँ के हाथ में प्लास्टर लगा हुआ है जो औरत वीडियो में बैठ के बोलती है कि यह कुत्ता कब गया था मेरी बेटी के साथ में सोने के लिए मेरी बेटी मेरे पास सोती थी याद है आप लोगों को जो औरत उसके मुंह पे उसको कुत्ता बोलती है अपने ही दामाद को तो लगता है कि वो आदमी अपनी सास के ऊपर हाथ उठा सकता है और वो बिल्लो जो सौतेले बच्चों को इतनी जहर की निगाह देखती है उनको मार खिलवाती है अपने हस्बैंड से उसको मारेगा कोई इतनी हिम्मत अजगर की या किसी की हाँ सौतेले बच्चों के साथ में उसने क्या क्या नहीं किए उनको मार खिलवाती है दोनों भाइयों को सलमान इसीलिए कंटाल के आ गया था सलमान को भी मार खिलवाती है बुढे से और असगर को भी मार खिलवाती है और असगर के हाथ से सलमा को इन लोग मार खिलवाते थे जैसे कि ये झाड़ू वाली चुड़ैल हो गई उसका बाप हो गया इन लोग सलमा को भी मार खिलवाते थे तो आप लोग खुद सोचो कि ऐसे ऐसी माँ है ऐसा बाप है और यह बोला जा रहा है कि असगर ने बिल्लों को मारा और पिटारा जो इतनी इतनी बात पे सिम्पत्ति लेने आ जाती है पिटारा अपनी अम्मा के लिए आके बोली भी नहीं सिंपत्ति भी नहीं ली कितनी फेक बातें फैलाते हैं कितना झूठ बोलते हैं और मुझे नहीं पता ये बातें कौन किया है जो भी किया है ना मैं चाहती हूँ कि इसके प्रूफ लगे ताकि हम भी फिर असगर को चार छः गालियाँ दे है ना के कितनी घटिया हरकत की है अपनी सास के ऊपर हाथ उठा के एक बूढ़ी औरत के ऊपर तो ये तो प्रूफ लगना चाहिए बाकी आप लोग जरा ये पूछना पिटारा से कि वो अपनी माँ से किस तरह की लैंग्वेज यूज करती चाहे फिर वो को जब वापस बुला ली थी जब असगर सोने जाने वाला था तब की लैंग्वेज उसकी या तो फिर सऊदी में गई थी नमाज़ पढ़ने और पर्दा करने बोला गया था कि अबाया पहन तब की लैंग्वेज वो जाके आप लोग पिटारा से पूछो और उसके हिमायतियों से पूछो कि वो अपनी माँ के साथ में क्या क्या नहीं करती रही है उससे ये पूछो कि उसकी माँ के पैरों में यहाँ पे थी तो इतना दर्द था तो पिटारा ने कौन सा इलाज करवाई अपनी माँ का हाँ कहाँ तो बोल रही थी कि हड्डियाँ तड़ 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 कर रही है अम्मी का ऑपरेशन करवाना है क्यों नहीं हुआ भाई ऑपरेशन यहाँ पे लोगों ने कहानियाँ बनाई थी कि बुढे ने डंडे डंडे से पैरों पे मारा लोग बैठ के बुढ़े को सलमा को गालियाँ दे रहे थे बाद में उसकी अम्मा ने खुद वाल्टी पे आके बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और जब ये बातें उड़ाई जा रही थी कि उसकी अम्मा को ज़बरदस्ती लाइव में लाने की सॉरी वीडियो में लाने के लिए सलमा उसकी मिन्नतें तरले करते रहती है उसको फोर्स करती है कि मेरी वीडियो में आओ तो ये बात का उसकी माँ ने खुद लाइव में आके जवाब दे के गई थी कि मैंने कब ऐसा बोली कि सलमा मेरे साथ में ज़बरदस्ती करती है अरे इतनी बार मोह काला हो चुका है फिर भी वही झूठ लेकर आना फिर भी वही कहानियाँ बनाना और अगर लाना ही है ना तो प्रूफ के साथ लाओ प्रूफ के साथ में साबित करो कि ये सारा जो बोला जा रहा है ना वो हुआ है कुछ भी बस बातें करने के लिए चाहिए ना प्रूफ है ना सच्चाई है बिल्लों की आंखें देखो बिल्लों का दिमाग देखो बिल्लों की खतरनाक हरकतें देखो कि लाइव में लोगों ने देखे जब सलमान लाइव बैठा हुआ था तो लोगों ने वो लाइव देखे हैं किस तरह से ये ऊपर आके उसको मार रहा था उसका बाप और मार खिलाने वाली कौन थी बिल्लो बिल्लो थी बिल्लो ने मार खिलाई थी बल्कि बिल्लो लास्ट टाइम पे अपने हसबैंड को मार खिलाना चाहती थी फारूक ब्योड़े से कितनी अच्छी वो बीवी है कितनी अच्छी सौतेली माँ है वो तो अपनी सब्जी बेटी के साथ में सौतीला पना कर ली सलमा के साथ में जिसके पास पैसा था उसके पास जाके बैठ गई इतनी तो कोई घटिया माँ वो और उसको बोला जा रहा है कि वो मारे उसको मारा गया मुझे तो कसम से इतनी हँसी आई जब मुझे मैसेज आया है ना मुझे बड़ी हँसी आई कि असगर ने बिल्लो को मारा और इतना मारा कि उसका हाथ टूट गया और हमें पता ही नहीं चला वाह क्या कहानी है और वाइटी पे किसी को भी पता नहीं चला बताओ कि वो पहली बार जब गई थी ना तो उसका हाथ तोड़ा गया था और इस बार का तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि आए दिन वो सलमा की वीडियो में नज़र आती है तो कभी तो प्लस्टर नज़र आता हमें और ऊपर से अब तो बुढ़े की भी वीडियो बनती है तो प्लस्टर नहीं नज़र आया हमें वैसे पिछली बार भी बुढे ने आ, वीडियो चैनल तो बना ही लिया था ना चैनल बना के ही गया था ना वो वहाँ पे तो उसने दिखाया नहीं अपनी बीवी का टूटा हुआ हाथ अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं लिया जितना वो सलमान खान बन के बीवी को बोलता है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा तो उसने अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं लिया आ, ना ही तो पिटारा लाड़ की लल्लो बेटी ने स्टैंड लिया ना फारूक फूट फूट के रोया ना झाड़ू वाली चुड़ैल ने मुद्दा बनाई सबके सब चुप रहे हालांकि देखो सलमा को मारा था वो सच्चाई बाहर निकल के आ गई थी लेकिन बिल्लो को मारा ना तो सारे खानदान ने छुपा लिए कितनी अच्छी कहानी है ना खैर हंसी बहुत आई मुझे सुन के लेकिन ये सब बातों के पीछे कोई सच्चाई नहीं है ये सब है ना जानबूझ के किया जा रहा है न्यू न्यू शोषा छोड़ा जाता है न्यू न्यू कंट्रोवर्सी निकाली जाती है ड्रामे के लिए झूठ फैलाने के लिए तो इन सब बातों के ऊपर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता ना तो वाई पे ये बात ज़रूर आती जरूर आती लेकिन ऐसी कोई बात नहीं आई तो ये झूठ है सरासर झूठ है तो चले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज